मध्य प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने आज राजभवन में दो नए वुजरा तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को औहद दिलाई। गौरतलब है कि ये दोनों वुजरा सिंधिया खेमे से हैं। जमनी इंतखाबात के नतीज आने के बाद से ही काबीना में तोसी की खबरें जोर पकड़ रही थी। आज आखिरकार दोनों का इंतजार खत्म हुआ। वाजे रहे कि ये दोनों लोग कमलनाथ हुकूमत में और उसके बाद शिवराज हुकूमत में भी वुजरा का ओहदा संभाले हुए थे। जमनी इंतखाबात के वक्त तक 6 महीने की मुद्दत पूरी होने की वजह से इनको अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा था। इस काबीना तोसी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद को एक बार फिर साबित कर दिया है। इस मौके पर वजीर आला शिवराज सिंह चौहान और उनकी काबीना के दीगर वुजरा राजभवन में मौजूद थे। मैं तुलसीराम सिलावट ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के संप्रभुता अखंडता अक्षुण रखूंगा। मध्य प्रदेश के राज के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय मैं तुलसीराम सिलावट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तप के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि विभाग द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ देता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयगत निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष